एपिसोड 85, माँ का सरप्राइज। अब तक डिंपल ये तो समझ गई थी कि उसने मुंबई आते ही आलिया और वरुण के बीच एयरपोर्ट पर जो भी देखा था वो सच नहीं था। वो अब तक वरुण को गलत समझ रही थी, लेकिन अभी अभी आलिया ने जो उससे कहा था उसकी तह तक जाना भी डिंपल के लिए बहुत जरूरी था। इसीलिए आलिया के ये कहने के बाद कि उसे पता है कि आज सुबह डिंपल और वरुण के बीच क्या हुआ है, डिंपल ने ये कंफर्म करना चाहा कि आखिर आलिया को क्या पता है। इसीलिए उसने आलिया से पूछा, क्या हुआ है मेरी और वरुण के बीच, क्या पता है तुम्हें? ऐसी सिचुएशन में भी घबरा कर अपना राज खुद उगलने की बजाय डिंपल को इस तरह शांत देख आलिया को अपनी बाजी खुद पर उल्टी पड़ती दिखती है। इसीलिए वो मजाक के अंदाज में हंसते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डिंपल से एक और झूठ कहती है। क्या मतलब है, मुझे क्या पता है? वरुण ने खुद मुझे सब बताया। तुम्हें लगता है इतनी बड़ी बात मुझे बिना बताए वो रह सकता है? आफ्टर ऑल हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आलिया इस बात को कुछ इस तरह से कहती है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वरुण और डिंपल के लिए खुश है, लेकिन डिंपल एक लड़की होकर दूसरी लड़की की जलन को नहीं समझ पाती। ऐसे कैसे मुमकिन था? डिंपल को इस बात का अंदाजा लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि आलिया उससे सच उगलवाने के लिए बस वरुण के नाम का इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए उसने एक बार फिर आलिया से पूछा, मुझे जानना है कि वरुण ने तुम्हें क्या बताया है। आलिया प्लीज बताओ, तुम्हें क्या पता है? आलिया से ये सवाल करके डिंपल अपनी नजरें आईने में दिख रहे आलिया के अक्स से हटाकर एक बार फिर अपनी ड्रेस साफ करने में लग जाती है और आलिया अपने चेहरे के उड़े हुए रंग को छुपाने की कोशिश करती हुई थोड़ी लड़खड़ाती हुई जुबान में कहती है, अरे वही पता है जो हुआ, पर छोड़ो ना वो सब, क्या करना है डिटेल्स में जाकर, पर मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया है डिंपल, खासकर वरुण। अगर इन 24 घंटों में तुम्हें लगने लगा है कि तुम उसके लिए स्पेशल हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद वरुण की लाइफ में कितनी लड़कियां आ चुकी हैं तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। आलिया जो अभी अभी खुद को वरुण का बेस्ट फ्रेंड कह रही थी, उसे वरुण के कैरेक्टर पर सवाल उठाता देख डिंपल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो एक झटके से आलिया की तरफ देखती है, जिससे कि आलिया थोड़ी नरम होकर आईने में खुद को देख अपने बाल संवारते हुए कहती है, मैं वरुण को गलत नहीं कह रही हूँ डिंपल, ना तुम्हें ही बुरा कह रही हूँ, मैं बस एक दोस्त होने के नाते तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि प्लीज वरुण को सीरियसली मत लेना, क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारा दिल दुखे ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आलिया की इन बातों को डिंपल अच्छे से समझती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी तरह वो वरुण को जानती थी कि अगर पूरी दुनिया उसके जेब में होने के बाद भी वरुण उससे पहले जैसा ही लग रहा था, मतलब पिछले कुछ महीनों में कुछ नहीं बदला है। इसलिए अपने दिल पर भरोसा करते हुए डिंपल मुस्कुरा कर आलिया से कहती है, एडवाइस के लिए थैंक यू आलिया, लेकिन मेरा यकीन करो मुझसे बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता कि मैं इस शहर में बस चंद दिनों की मेहमान हूँ, और क्योंकि मेरे सामने मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, इसलिए यहाँ से एक टूटा हुआ दिल ले जाने तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगी मैं, अब चले। ये कहकर डिंपल वॉशरूम में रखे डस्टबिन में एक टिश्यू पेपर डालती हुई वहां से बाहर निकल जाती है और आलिया उसके इस एटीट्यूड पर अपनी मुट्ठी भींचती हुई खुद से कहती है, मैंने जितना सोचा था ये बहन जी तो उससे ज्यादा स्मार्ट निकली, ये तो बिल्कुल वरुण के पीछे ही पड़ गई है, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। डिंपल को लौटता देख सरीश मजाक करता हुआ कहता है, तुम्हें जितना टाइम लगा लौटने में उतने में तो हमें लगा कि तुम रिजॉर्ट ही चली गई वापस कपड़े बदलने के लिए, लेकिन तुम तो अभी यहीं हो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि लड़कियां अकेले वॉशरूम क्यों नहीं जाती, उन्हें क्या वहां भी गप मारने के लिए कोई चाहिए होता है। शिरीष का ये जोक सुनकर सब हंस पड़ते हैं। तभी वरुण अपनी जगह से खड़ा होता हुआ कहता है, हमने तुम्हारे और आलिया के लिए डेजर्ट पैक करवा लिया है तो तुम दोनों वहीं सेट पर ही खा लेना प्लीज, वो एक्चुअली मिनी आ गई है और हमारा वेट कर रही है, इसलिए हम और वेट नहीं कर सकते हैं। डिंपल बात को समझकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है और वहां से बाहर निकलने के लिए वरुण के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। उनके पीछे पीछे ऋषि, शिरीष और रिया भी बाहर निकलने लगते हैं और वॉशरूम से लौटने के बाद जब आलिया सबको उसके बिना बाहर जाते हुए देखती है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन वो खुद को शांत करती हुई मन ही मन कहती है,
बस कुछ दिनों की बात है आलिया, डिंपल यहाँ से चली जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। फिर खुद भी उनके पीछे चल देती है। इसके बाद अगले दो दिन लॉन्च के लोकेशन पर जोर शोर से तैयारी चलती है और धीरे धीरे वो बड़ा और खाली सा हॉल एक इंटरनेशनल इवेंट के लिए तैयार होता है। इस दौरान डिंपल और वरुण और करीब आते हैं। वरुण इवेंट से जुड़े हर छोटे बड़े फैसले में डिंपल से उसकी राय लेता है और दोनों एक दूसरे को छूने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। वरुण कभी डिंपल के हाथ को पेन लेने के बहाने छूता तो कभी किसी काम को अर्जेंट बताकर उसके हाथ को पकड़ एक तरफ खींच लेता। ऐसे में उस पल में डिंपल के बदन में एक सरसराहट सी दौड़ जाती और वो अपनी नजरें झुकाकर खुद को शर्माने से नहीं रोक पाती। डिंपल भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि वो सबसे छुपकर वरुण के साथ कुछ ऐसी यादें बना ले जिसे वो अपने साथ धनबाद ले जा सके। इसीलिए वो हर मौके को अपने हक में मोड़ने की कोशिश कर रही थी। दिन भर के काम की थकान के बाद भी डिंपल देर रात तक वरुण के साथ बीच पर बैठी रहती। कभी रेत पर अपने नाम के साथ उसका नाम लिखती तो कभी सीपियां और पत्थर बिनती हुई वरुण से कहती, पिछली बार मुझे मुंबई समंदर की कोई निशानी अपने साथ ले जाने का वक्त ही नहीं मिला था, लेकिन इस बार मैं ये मौका नहीं छोड़ना चाहती। मैं इन सीपियों को धनबाद में अपने कमरे की साइड टेबल पर रखूंगी और रोज रात को सोने से पहले इन्हें देखकर खुद को याद दिलाया करूंगी कि मेरी लाइफ में अच्छे दिन भी रहे हैं। डिंपल को इस तरह बेपरवाह और आज में खुश देखकर वरुण को रोज डिंपल से थोड़ा और प्यार हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ आलिया को उनकी इन नजदीकियों से उतनी ही नफरत हो रही थी, लेकिन आलिया अकेली नहीं थी जिसे वरुण और डिंपल के साथ होने से प्रॉब्लम थी। वर्धमान और शुक्ला जी को जैसे जैसे उन दोनों के बारे में खबर मिल रही थी वैसे वैसे उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कई बार तो खुद वरुण के पापा वर्धमान ने उससे फोन पर इशारों इशारों में डिंपल से दूर रहने को कहा, लेकिन वरुण ने मौका पाकर बात बदल दी। लेकिन अब मिनी के साथ डिंपल को लेकर मामला थोड़ा अलग था। पहले जहां उसे लगता था कि आलिया वरुण के लिए परफेक्ट है, अब उसे लगने लगा था कि वरुण के चेहरे पे जो खुशी डिंपल के साथ होने पर आती है वो और उसने पहले किसी के साथ नहीं देखी। डिंपल के काम करने के तरीके और समझदारी से भी मिनी बहुत इम्प्रेस हो गई थी, जिससे कि अब उसे डिंपल के साथ काम करने में मजा आने लगा था। लेकिन एक खतरे की घंटी थी जो अभी भी मिनी को डिंपल को पूरी तरह अपनाने से रोक रही थी। आखिरकार शनिवार का वो दिन आता है जिसका सबको पिछले 3 महीनों से इंतजार था। इवेंट की लोकेशन पूरी तरह तैयार थी और आज की शानदार शाम के लिए सब अपने अपने काम को आखिरी टचअप दे रहे थे और इसी सिलसिले में डिंपल स्टेज और उसके सामने बने रैंप पर चलकर रति को कुछ नोट करने के लिए कह रही थी। डिंपल को इस तरह काम करता देख स्टेज से थोड़ी दूर खड़ा वरुण मन ही मन खुद से कहता है, ऐसी लड़की मिलने के बाद कोई कैसे खुद को उसके प्यार में पड़ने से रोक सकता है। और डिंपल की तारीफों के पुल बांधता मुस्कुरा रहा होता है कि तभी उसके सामने से आलिया गुजरती है जो वरुण को इस तरह स्माइल करता देख लौटकर उसके पास आती है। वरुण की नजरें डिंपल पर गड़ी देख आलिया पहले तो चिढ़ जाती है, लेकिन फिर वरुण के चेहरे के सामने अपनी चुटकी बजाकर उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर लाती हुई कहती है, डिंपल के अलावा भी इस दुनिया में लोग हैं सर, थोड़ा टाइम मिले तो उन्हें भी देख लीजिए। आलिया की ये बात सुनकर वरुण हंसकर थोड़ा शर्माता हुआ कहता है, क्या आलिया तुम भी, मैं तो बस देख रहा था कि दूर से स्टेज का लुक कैसा आ रहा है, तुम्हें तो बस मुझे छेड़ने का एक बहाना चाहिए। वरुण के मुंह से ऐसा बहाना सुनकर आलिया एक झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहती है, बहाने मैं नहीं तुम ढूंढते हो वरुण सिंघानिया, वो भी डिंपल के पास जाने के, उसे छूने के। तुम्हें क्या मैं इतनी अंधी और बेवकूफ लगती हूँ? अब तक तो यहाँ काम कर रहे एक एक आदमी को पता चल गया होगा कि तुम्हारे दिल और दिमाग पर क्या फितूर छाया है। वरुण को अब तक लग रहा था कि उसके और डिंपल के बीच जो कुछ भी चल रहा है वो बस उन दोनों को ही पता है। वो जैसे पिछले कुछ दिनों से भूल चुका था कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी वो एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में वो सब कुछ जानना चाहते हैं, खासकर उसकी रोमांटिक लाइफ के बारे में। वरुण अभी भी सोच रहा होता है कि तभी आलिया आगे उससे कहती है, अब इसमें इतना हैरान होने वाली बात क्या है वरुण, वो तो शुक्र है कि डिंपल 2 दिन बाद वापस जाने वाली है, नहीं तो सीधे न्यूज़पेपर में खबर छपती कि वरुण सिंघानिया ने अपनी वाइफ ढूंढ ली है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि डिंपल के यहाँ से जाने के बाद तुम यहाँ क्या करोगे, कहीं तुम भी तो उसके साथ धनबाद जाने की प्लानिंग नहीं कर रहे हो।
आलिया के एक साथ इतनी सारी बातें कह देने से वरुण अपना सर पीटता हुआ कहता है, कितना बोलती हो तुम आलिया, कभी अपने दिमाग और जुबान को आराम भी दे दिया करो। इस पर आलिया झुंझला कर कहती है, हाँ हाँ अब तुम्हें मेरी बातें अच्छी थोड़ी ना लगेंगी, अब तो डिंपल आ गई है तुम्हारे दिल का चैन और करार, जाओ उसके पीछे उसके गांव। तभी वरुण आलिया के मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे चुप कराता हुआ कहता है, मैं धनबाद नहीं जा रहा हूँ आलिया, लेकिन हाँ मैं कुछ ऐसा जरूर सोच रहा हूँ जिससे कि मैं डिंपल को यही मुंबई में रोक लूँ, वो भी हमेशा के लिए। वरुण की ये बात सुनकर आलिया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और उसे ऐसा लगता है मानो उस पर ना जाने कितनी सारी बिजलियाँ एक साथ गिर पड़ी हो। कहाँ तो आलिया सोच रही थी कि डिंपल और वरुण के बीच का ये लगाव बस कुछ दिनों का खेल है, और डिंपल के यहाँ से जाने के बाद वरुण के दुखी होने पर वो उसका कंधा बनकर उसे अपने करीब ले आएगी। अब उसे अपना ये सपना एक पल में टूटता हुआ नजर आने लगा था। वहीं दूसरी तरफ डिंपल जो स्टेज पर काम करते हुए भी अपनी तिरछी नजरों से वरुण को देखने से नहीं चूक रही थी, वो आलिया और वरुण को इस तरह बात करता देख अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। डिंपल जब से मुंबई आई थी एक बार भी उसे उसकी माँ का फोन नहीं आया था, और ना ही डिंपल के फोन करने पर उन्होंने फोन ही उठाया था। बाकी सभी दिनों से ज्यादा आज डिंपल को अपने माँ बाप की याद आ रही थी। वो सोच रही थी कि आज अगर उसके घर वाले यहाँ आकर उसकी मेहनत देख पाते तो उन्हें उस पर कितना नाज होता, लेकिन अफसोस ये मुमकिन नहीं था। ये सोचकर डिंपल अभी दुखी हो ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा और डिंपल ने देखा कि फोन उसकी माँ का है। फोन उठाकर डिंपल खुशी से उछलती हुई बोली, हेलो माँ, मैं अभी आप ही को याद कर रही थी, 100 साल जियो की आप, कैसी हो आप, वहाँ सब ठीक तो है ना। डिंपल को इस तरह खुश होता देख उस